हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, इनाइस पावर्स डिवीजन प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। चलिए, ये 6 to the power 12 by 12 to the power 6 इक्वल टू व्हाट, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिएगा, मैं बहुत इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करूंगी। ये इस क्वेश्चन को हम टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पहले फर्स्ट मेथड से बताती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगी। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का ये वीडियो। ये सबसे पहले यहाँ पे 6 to the power 12 है, तो 6 to the power यहाँ पे 12 by 12 to the power 6 है। यही क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी मेथड में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 to the power 12 है, तो हम 12 को हम 6 + 6 लिख सकते हैं। ऐड करने पे हमारा 12 आ सकता है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, 6 to the power 6 + 6 ओके बाई 12 to the power 6, नीचे में नो चेंज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग इसको 6 को पावर में जो है एक बार 6 to the power 6 × 6 to the power 6 बाई 12 to the power 6। ओके, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 6 by 12 हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 by 12 whole to the power 6 × 6 to the power 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये इतना आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैं इसको एक साथ लिखी हूँ क्योंकि कैंसिल आउट करना है। ओके, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करने पे मेरा इतना आ जाएगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखी हूँ। ओके, अब क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे करेंगे हम, 6 × 6 = 12। ओके, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 हम आगे लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 whole to the power 6 × 6 to the power 6। ओके, अब यहाँ पे दोनों का यहाँ पे ध्यान से देखना है, पावर क्या है, पावर दोनों में सेम है। ओके, बेस डिफरेंट है, तो क्या करें, 1/2 × 6 ये होल टू द पावर 6। ओके, इंटू में करके और पावर को हम एक साथ लिखे, यहाँ बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर बेस आर डिफरेंट, पावर आर सेम, तो पावर सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके बेस को और पावर को एक बार लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 3 = 6, यानी 3 to the power क्या आ गया, 6 आ गया। 3 को हम 6 times लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 को हम 6 times लिखते हैं, 3 × 3 × 6 times लिखना है मुझे। ओके, ये 5 हुआ, ये 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 243। एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 = 2 carry 1, 2 × 6 carry 1 = 7, यानी 729 हो रहा है। ओके, 729 हो रहे हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया इसका वैल्यू। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की हूँ, उम्मीद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।